लॉकडाउन में शिक्षा कहीं से बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन शिक्षा शुरू की जा रही है और इसलिए सरकारी प्राथमिक स्कूलों में भी लोगों ने कमर कस ली है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे भी मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। पेश है सोनभद्र से हमारी ये खास रिपोर्ट। यह है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला। इस लॉकडाउन में शिक्षा विभाग ने भी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का पीड़ा उठा लिया है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही नहीं, प्राथमिक सरकारी विद्यालयों के गांव में रहने वाले ये नौनिहाल भी घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और काम करने की शक्ति मिलती है। प्राथमिक स्कूल के बच्चे भी किसी से पीछे न रहे, इसीलिए अध्यापक बच्चों को घर से ही पढ़ा रहे हैं। शुरुआती दौर में हमारे कुछ विद्यालय इस दिशा में पहल किए, लेकिन आज की स्थिति यह है कि जनपद सोनभद्र में लगभग 500 विद्यालय हमारे ऐसे हैं जो ऑनलाइन शिक्षा टाइमली दे रहे हैं बच्चों को। अभी सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ बच्चे जुड़े हैं उससे, लेकिन जिनके पास वो संसाधन मौजूद हैं जिससे ऑनलाइन शिक्षा वो प्राप्त कर सकें, लेकिन जिनके पास नहीं है वो फोन, हमारे कुछ अध्यापक ऐसे हैं कि उनको फोन के माध्यम से जागरूक करके उनके गार्जियन से फीडबैक पर डे का ले रहे हैं, उनके फोन, उनके मोबाइल फोन पे फोन करके कि आपके बच्चे को होमवर्क ये दीजिए और उसको चेक करके बताइए। सोनभद्र जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों के साथ साथ ऊर्जा की राजधानी भी है। यहाँ के तुरूह और पहाड़ी अंचलों में विकास की किरणें ही नहीं, सूर्य की किरणें भी देर से पहुँचती है, पर अध्यापक और बच्चों का तालमेल शिक्षा की लौ को आगे बढ़ा रहा है। जो मैम होमवर्क भेजती है हम लोग उसे पूरा करते हैं, अच्छे माहौल में लॉकडाउन का पालन भी करते हैं। हमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जो भी वर्क दे रही हैं हम उसे पूरा कर व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। हम सोचते थे कि मोबाइल पे बस गाना और कार्टून ही देख सकते हैं, लेकिन इस पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐड किया जो पहले से ग्रुप में थे उनके अलावा भी, लेकिन कुछ बच्चों का मुझे पता चला कि उनके पास मोबाइल या डेटा पैक न होने के कारण वो उन कक्षाओं से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो इसमें हम अध्यापकों ने निर्णय लिया कि हमने स्वयं के पैसे से भी बच्चों का फ़ोन रिचार्ज कराया, जिससे कि कम से कम वो जो सिंसियर बच्चे हैं वो इन कक्षाओं से प्राप्त होने वाले ज्ञान से अछूते न रह जाएं। ग्रामीण बच्चों के लिए मोबाइल से पढ़ना एक अलग अनुभव है। बच्चे घर पर रहकर ही बड़ी प्रसन्नता के साथ पढ़ाई करते हैं। बच्चों को मोबाइल से पढ़ता देख माता पिता भी काफी खुश हैं। सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है ताकि बारी बारी से बच्चों को पढ़ाया जा सके। बहुत सारे अभिभावक हैं जिनके पास है तो अपने आस पड़ोस के बच्चों को उनके माध्यम से और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दूर दूर बैठते हुए मास्क लगा के वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जिनके पास नहीं है वो किसी बगल वाले के पास अगर है तो उसके साथ बच्चे जाके और लॉकडाउन के नियमों का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए सुरक्षित तरीके से वो अपना पढ़ाई का काम कर रहे हैं। तकनीक के सहारे सोनभद्र के प्राथमिक स्कूल बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि बच्चे घर पर रहकर अपने भविष्य की नींव और मजबूत कर सके। 30 cm and breadth is 15 cm. Find out the perimeter of the rectangle. लॉकडाउन के इस मौके पर बच्चे घरों में हैं, इसीलिए स्कूल और अध्यापक ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंच रहे हैं, उनका पढ़ाई पूरी करवा रहे हैं, उनका जो सिलेबस है वो पूरा करवा रहे हैं। और खास तौर से उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है उन इलाकों को ज़्यादा फोकस कर रहा है, उन बच्चों को ज़्यादा फोकस कर रहा है जो गाँव में रहते हैं, दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और उनको ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जा रही है। सोनभद्र से सुनील तिवारी के साथ मैं संतोष चौधरी, डीडी न्यूज़ दिल्ली। कोरोना के